तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं सच ठीक हो। तो आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाला है, दिवाली फ़ोटो एडिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तो हम एक एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर लेते हैं प्ले स्टोर से, बैकग्राउंड कट। बैकग्राउंड ये वाली एप्लीकेशन है, इसको हमने डाउनलोडिंग करके रखा। आप भी डाउनलोडिंग कर लीजिए। तो हमने डाउनलोडिंग कर रखा, वो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है, जिसका बैकग्राउंड हमें कट करना है। तो अपनी फ़ोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी फ़ोटो को ऐड कर लिया, तो मैं डन पे क्लिक कर लेना है। डन पे क्लिक करने के बाद हमें कैच वाला ऑप्शन पा लेना है, प्लस वाला आइकन, या हमें पूरे शरीर पर जो समय कट आइकन उस पर कर लेना है। कुछ इस टाइप से आप कर लेना सारे शरीर के। तो मैं कर लेता हूँ अपना। कुछ इस टाइप से आपको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ आप कर सकते हैं। तो अब प्लस वाला आइकन हमें वहीं रहने देना है जहाँ तक हमें चाहिए। हमें फिर माइनस वाले पे आ जाना है। तो हमें जो उन सब माइनस वाले पे आने के बाद हमें जो नहीं चाहिए उस पर हम चला देंगे कुछ इस टाइप से। जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हो। तो मैं अपनी कर लेता हूँ। मैं करने के बाद आपसे देखो, तो जहाँ पर हमारा छोटा तो मैं ये रेजर वाले टूल पर जाना है। कुछ इस टाइप से आपको जहाँ जहाँ छोटा वहाँ वहाँ कुछ इस टाइप से चला देना है। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड कट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो लो गाइस, तो मेरी बैकग्राउंड कट हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो मैं इसे डाउनलोडिंग इसको कर लेता हूँ। इसी टाइप से दूसरे वाले फ़ोटो को भी आप बैकग्राउंड कट कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हमें बैकग्राउंड हम अपना ऐड कर लेते हैं। तो मैं अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया गाइस। आप भी कुछ इस टाइप से अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। तो अपने मैं जो बैकग्राउंड कट किया हूँ फोटो में, उसको मैं ले लेता हूँ उस फोटो को। तो हमें कुछ इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो अपनी फोटो को मैं सेट कर लेता हूँ अच्छी तरह से। आप भी कुछ इसी प्रकार से अपनी फोटो सेट कर लेना। तो आप दूसरी अपनी फोटो ले लेते हैं, इसको भी अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। कुछ इस टाइप से अपनी फ़ोटो तुम सेट कर लेना। तो हमारी हो चुकी है। तो हमें PNG ले लेनी है दूसरी। तो हमें कुछ इस वाले टूल पे आना है। इस वाले टूल पर आने के बाद हमें डाउनलोडिंग अपनी PNG कर लेनी है। इस वाले PNG को लेने के बाद हमें
इस वाले सेटिंग में आनी है, इस वाले सेटिंग आ रही है। यहाँ पे आने के बाद हमारी पीएनजी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। आप देख सकते हो कैसे कट हो गया, तो हम सेट कर लेते जहाँ चाहिए हमें, तो फिर वहीं पे जाना है। तो मेरे को दूसरी वाली पीएनजी ले लेनी है, उसी प्रकार से हमें इसको भी कट कर लेना है। तो हेलो गाइस, तो आप देख सकते हो हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है, वो भी एक ही एप्लीकेशन में। देख सकते हो कि फोटो हमारी एडिट हो चुकी है। तुम्हारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।